नमस्कार, मैं प्रिया, बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। यात्रियों को रेलवे ने दी बड़ी राहत। कोविड-19 के माहौल के बाद पूर्व मध्य रेल के अनुरोध पर रेलवे बोर्ड ने दानापुर मंडल के पटना जंक्शन से गया के बीच सवारी गाड़ियों के परिचालन का फैसला लेकर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। मिली जानकारी के अनुसार इस फैसले के अनुसार रविवार से अगले आदेश तक 2 जोड़ी मेमू सवारी गाड़ी चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ट्रेनों में टिकट बुक की जाएगी, साथ ही कोविड-19 को देखते हुए जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार ही एक बोगी में 100 से अधिक यात्रियों को बैठने की अनुमति फिलहाल नहीं दी जाएगी। रेलवे बोर्ड ने बुकिंग से की गई टिकट आरक्षित का निर्देश दिया है, साथ ही यह भी साफ कहा है कि सीट से अधिक लोगों को ट्रेन में प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। किराए में हालांकि कोई अंतर नहीं किए जाने की बात कही गई है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेन संख्या 03212 गया पटना मेमू स्पेशल, यह गाड़ी 63246 गया पटना मेमू पैसेंजर के समय सारणी में ठहराए के अनुसार चलाई जाएगी और साथ ही 8:30 बजे खुलेगी और 11:30 पर पटना पहुंचेगी। वहीं 03353 पटना गया मेमू स्पेशल, 63245 पटना गया मेमू पैसेंजर के समय सारणी बटर राव के अनुसार चलेगी। लव सिन्हा के नामांकन के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने दी उन्हें बधाई। आगामी विधानसभा चुनाव में बांकीपुर सीट से कांग्रेस ने इस बार अभिनेता से नेता बने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को टिकट सौंप दिया है। वहीं अपने भाई को टिकट मिलने के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने अपने बड़े भाई को बधाई दी है। सोनाक्षी ने बधाई देते हुए लिखा कि बिहार चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए मेरे भाई लव सिन्हा पर मुझे गर्व है। हमें वास्तव में युवाओं और अच्छे लोगों की आवश्यकता है जो हमारे देश के लिए कदम बढ़ाए और इस नई यात्रा में शामिल होने से मैं खुशी महसूस कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट भैया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लव सिन्हा के पिता शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा चुनाव 2019 में पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। जब तक वो भाजपा में थे वो चुनावी सीट से जीत रहे थे, जिसके बाद अब सबकी नजर लव सिन्हा पर है। जहां वो लोगों के बीच अपनी छवि बनाने में कितने कामयाब हो पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। कोविड-19 से बिहार के सीनियर IPS विनोद कुमार ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार के पूर्णिया रेंज के IG विनोद कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार वो काफी लंबे समय से कोविड-19 की चपेट में आ चुके थे, हालांकि उसके बाद उनका इलाज करवाया जा रहा था। पिछले 4 दिनों से उन्हें पटना के एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। 59 साल के विनोद सिंह डायबिटीज के भी मरीज थे। उनकी जान जाने की जानकारी एम्स के अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने दी है। बिहार सरकार ने इस पुलिस अधिकारी की जान जाने की खबर ने पुलिस में शोक की लहर पैदा कर दी है। इसके साथ ही IG विनोद कुमार से पहले बिहार सरकार के एक मंत्री का भी कोविड-19 की वजह से जान चली गई थी। शुक्रवार की सुबह ही बिहार में नीतीश सरकार के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। मधुबनी के बाबू बरही से विधायक कामत कोविड-19 से प्रभावित थे और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती भी रहे थे। चुनाव आयोग ने मतदान को लेकर जारी की जरूरी सूचना। बिहार में विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले मतदान को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत विधान परिषद और स्नातक और शिक्षक निर्वाचक क्षेत्र के लिए होने वाले मतदान के दौरान वैसे मतदान केंद्र जहां पर 2 घंटे तक मतदान प्रक्रिया किसी कारणवश बाधित हो जाती है या 2 घंटे के अंदर शुरू नहीं हो पाती है, वहां मतदान प्रक्रिया स्थगित मानी जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुर्गन डी ने पटना दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा पाठक निर्वाचन क्षेत्र शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। राज्य के 22 अक्टूबर को विधान परिषद की 8 सीटों के लिए मतदान का आयोजन करवाया जाएगा। इस चुनाव में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4 सीटों के लिए अलग अलग मतदान होगा। हालांकि मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, मतदान सही समय पर ही शुरू करवाया जाना चाहिए। जदयू के 18 से ज्यादा बागी नेता उतरे चुनावी मैदान में। आगामी विधानसभा चुनाव में बागी नेताओं ने अपना बगावती रुख अपनाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक दलों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दल की रीति नीति की सीख देने में बिहार में सत्ताधारी दल जदयू ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। चाहे प्रशिक्षण की बात हो या फिर संवाद करने की जरूरत हो, पिछले कुछ साल में अपने संगठन पर बूथ स्तर पर काम किया है। हालांकि इस दौरान दल के नेता द्वारा कई सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध मुहिम भी चलाई गई है, लेकिन जब टिकट की बारी आई और उम्मीदवारी नहीं मिली तो कईयों ने दलीय निष्ठा ताक पर लगा दी और अकेले ही मैदान में कूदने का फैसला ले लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में उम्मीदवारों पर गौर करें तो 1.5 दर्जन से अधिक जदयू के बागी नेता भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, जिसमें NDA के दूसरे घटक दल भाजपा को तो कहीं अपनी ही पार्टी जदयू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैदान में उतरे जदयू के ऐसे बागियों में से टिकट वितरण जिन्हें नहीं मिला था, कई विधायक, कुछ पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री तो कई जदयू संगठन से जुड़े नेता के नाम शामिल है। जदयू ने पहले चरण में से 15 और दूसरे चरण में 4 नेताओं को दल से बाहर कर दिया था। बावजूद इसके बागियों पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है। दूसरे चरण में जदयू के बागी शैलेंद्र प्रताप सिंह तरैया, जबकि जदयू के पूर्व विधायक मंजीत सिंह बैकुंठपुर से साथ ही साथ मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। दोनों निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। दूसरे चरण में जदयू के बागी विधायक रवि ज्योति पाला बदलकर कांग्रेस में मैदान में कूद चुके हैं। वहीं
पहले चरण में जदयू के कई ऐसे भी बागी हैं जो परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अब चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि बागी नेताओं की बगावत का नतीजा अलग अलग पार्टियों पर कितना देखने को मिलता है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने की भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह को जिताने की अपील। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में राजनीति का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोक जनशक्ति पार्टी को वोट कटवा कहने में व्यस्त नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने संसदीय क्षेत्र जमुई विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार श्रेयसी सिंह को जिताने के लिए ट्वीट कर मदद करने की बात कही है, लेकिन इस ट्वीट में वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू पर निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। बीते दिन शाम लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने लिखा कि जमुई विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी छोटी बहन श्रेयसी सिंह को ढेर सारी शुभकामनाएं। लोजपा के सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि श्रेयसी की मदद करें। भाजपा प्रत्याशी और लोजपा प्रत्याशी मिलकर युवा बिहार नया बिहार बनाएंगे। जदयू को दिया एक भी टिकट शिक्षकों को लाठी खाने पर मजबूर करेगा। आपको बता दें श्रेयसी सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शूटर है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है और कई जगह पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 1698 नामांकन पत्र हुए दाखिल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 94 सीटों के लिए 1698 नामांकन पत्र दाखिल कर दिए गए हैं। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच देर शाम तक जारी रही। वहीं दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर तय कर दी गई है, जबकि तीसरे चरण की 78 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। इसी चरण को लेकर अब तक 80 नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि तीसरे चरण के चुनाव को लेकर 20 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 203 मामले दर्ज। निर्वाचन विभाग के अनुसार राज्य में चुनाव की घोषणा होने के बाद अब तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को कुल मिलाकर 203 मामले दर्ज किए गए हैं और जिसमें से 1139 अवैध शस्त्रों की जब्ती भी हुई है। तेजस्वी यादव ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बिहार में चुनावी संग्राम जारी है। नीतीश कुमार जहां अपने चुनावी सभा में विपक्ष पर निशाना साध रहे, वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, तेजस्वी यादव इससे पहले भी हर जनसभा में यह कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी से प्यार है, बिहार की जनता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं है। अब तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, ये इनके इन प्रकार इन कुर्सी से चिपक कर उम्र बिताने के सिवाय उनके जीवन का अब कोई उद्देश्य नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें युवाओं, किसानों, छात्रों के और मजदूर महिलाओं और गरीबों की कोई चिंता नहीं है, वहीं कुर्सी को ही प्रथम और अंतिम सत्य मान चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक ही दिन करेंगे चुनाव प्रचार मुहिम की शुरुआत। आगामी विधानसभा चुनाव में दो वरिष्ठ पार्टियों के प्रमुख बिहार पधारने वाले हैं, जिसके तहत 23 अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं का आयोजन करने वाले हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता 23 को बिहार आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक ही दिन दोनों नेता बिहार में अलग अलग सभाओं का आयोजन करने वाले हैं। राहुल गांधी चुनावी सभा की शुरुआत हिसुआ से करेंगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभा की शुरुआत सासाराम और गया जैसी जगहों से करने वाले हैं। पार्टी से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हिसुआ की सभा में और इस जनसभा में आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन विद्वानों को जिताने की अपील करेंगे। वहीं यहां से कांग्रेस की नीतू सिंह और साथ ही वारिसगंज से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतीश कुमार और मदन सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। इसके अलावा नवादा से राजद की विभा देवी और गोविंदपुर से मोहम्मद कामरान प्रत्याशी हैं। इस सीट पर पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरे चरण के लिए भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, जबकि उनके साथ इस सूची में 30 बड़े नेताओं को भी जगह दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए जो स्टार प्रचारक होंगे उनमें राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज हुसैन को जगह दी गई है। इससे पहले जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें इन दोनों नेताओं के नाम मौजूद नहीं थे। इसके अलावा स्टार प्रचारकों की सूची में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, संजय जायसवाल, सुशील मोदी, स्मृति ईरानी, गोपाल ठाकुर, संजय पासवान समेत कई नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए भोजपुर पहुंचे मनोज तिवारी। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भोजपुर पहुंचकर प्रचार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भोजपुरी अभिनेता से नेता बने मनोज तिवारी भोजपुर पहुंचे। भोजपुर जिले में मनोज तिवारी ने एनडीए प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क का मुहिम भी चलाया, साथ ही एक सभा को संबोधित भी की। शाहपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार मुन्नी देवी के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे मनोज तिवारी ने अपने अंदाज में गाना गाकर लोगों से वोट देने की अपील की। मनोज तिवारी ने मौके पर जिया हो बिहार के लाला वाली थीम सॉन्ग पर वोटरों को न केवल मनोरंजन किया बल्कि सभी वोटरों से मुन्नी देवी को भारी से भारी मतों से जीत दिलवाने की अपील की। बिहार के शाहपुर सीट से भाजपा ने इस बार भूतपूर्व महिला विधायक मुन्नी देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ इस सीट में अभी वर्तमान समय में राजद के राहुल तिवारी विधायक है, ऐसे में भाजपा के लिए सीट पर वापसी करना आसान नहीं होगा। अमित शाह ने भाजपा को ज्यादा सीट मिलने की जताई उम्मीद।
हाल ही में मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद जताई है। दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने भाजपा और जदयू के बीच आई दरार की अटकलों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए अमित शाह ने कहा कि जो कोई भी ध्यान फैलाने की या ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, मैं आज उस पर बड़ा पूर्ण विराम लगाना चाहता हूं। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने आगे कहा कि देश के साथ साथ बिहार में भी मोदी लहर है और इससे गठबंधन सहयोगियों को समान रूप से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश हमारे पुराने साथी है, गठबंधन तोड़ने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को चाहे ज्यादा सीट मिले, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने विभिन्न पार्टी पदाधिकारियों से फीडबैक लिया है जो हाल ही में बिहार गए थे, और उन्होंने जो सीखा है वो ये कि कोविड-19 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री की योजना द्वारा प्रदत्त खाद्यान्न और पैसों के हस्तांतरण से बिहार के लोगों को काफी मदद मिली है। रामविलास पासवान के करीबी नेता आरके चौधरी ने थामा राजद का हाथ। बिहार चुनाव नजदीक है और इसी बीच पार्टियों में उलटफेर की राजनीति भी जारी है। राजद प्रत्याशी ने जाप का दामन क्या थामा, तुरंत रामविलास पासवान के करीबी और लोजपा के खास आरके चौधरी ने राजद का दामन थाम लिया है। आरके चौधरी के राजद में चले जाने से लोजपा को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, दरभंगा जिले के बहादुरपुर सीट से लोजपा और रामविलास पासवान के करीबी रहे आरके चौधरी ने लोजपा का दामन छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। लोजपा से अलग होने पर आरके चौधरी ने कहा कि मैंने उस लोजपा को जी जान से आगे बढ़ाया। लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान रामचंद्र पासवान के साथ कदम से कदम मिलाकर चला, घर के हर सुख दुख में उनके साथ रहा। उसी लोजपा ने मुझे रामविलास पासवान के जाने के बाद टिकट नहीं दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि चिराग दूसरे दलों के लोगों को बुला बुलाकर टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजद ने मुझे वो इज्जत दी है। भोला यादव से मेरी इस बारे में बातचीत हुई थी, उन्होंने ही मुझे तेजस्वी से मिलवाया, उन्होंने मेरी कदर समझी और मुझे बहादुरपुर से राजद का उम्मीदवार बनाने का काम किया। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 75 लाख के करीब। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 61,871 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 74,94,551 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 1,033 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,14,031 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिसके तहत बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। उससे मंत्रालय यह अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद भारत में कोरोना का प्रभाव अपने ढाल की तरफ बढ़ने लगा है। आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 65,97,209 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 7,83,311 सक्रिय मामले ही बचे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बागी नेताओं की बगावत का असर पार्टी को मिलने वाली सीटों पर पड़ेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।